चैनल का नाम है पता नहीं, और आज मैं इससे पूछने वाली हूँ कुछ अतरंगे पतरंगे सवाल, देखती है क्या रिस्पॉन्स देती है। आपका नाम क्या है? कुछ नहीं तो मैं नाच क्यों नाचूं, मेरी मर्जी है मतलब तो मेरी मर्जी है। ठीक है वैसे आप किस क्लास में हो? तो वैसे लेता तो ये साथ शायद हां वहां से लाता हूं 9th नहीं नहीं 8th। अच्छा 8th। आप 8th क्लास में क्या एक्सप्लोर करते हो? एक तो करो करवा हां ठीक ठाक ही। अच्छा आपका पसंदीदा गेम कौन सा है? खो-खो। खो-खो आप उसमें भागना चाहते हो या दौड़ना चाहते हो? भागना दौड़ना करना चाहते हैं लेन दौड़ना। अच्छा आप अच्छा खेलते हो या गंदा खेलते हो? हां ठीक ठीक। आपका प्रिय दोस्त कौन है? विभूति एंड रंजू। विभूति अच्छा आपकी वो मतलब बेस्ट फ्रेंड है बहुत। अच्छा अच्छा वही वही। आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? हिमाचल। चबाक जा दो जी। अच्छा आप मतलब जो भारे जो फॉरेन देश होते वो अच्छे लगते? क्या हुआ? I hate them। अच्छा आप हिमाचल को क्यों मतलब अच्छा लगता है? क्या आपको क्या अच्छा लगता है क्यों आपने हिमाचल चुनी हुई जगह? वहाँ पे बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, हर तरफ हरियाली है, हरियाली है इसीलिए। वहाँ पे हर तरफ हरियाली नहीं है, वहाँ पे हर थोड़ी सी जगह पे हरियाली और शहर है। सच्ची सामने अगला बच्चा जिसका नाम है विदुषी देवी। विदुषी देवी मुझे लग रहा है ये बहुत ही अटकने वाला बच्चा है। अब इनसे पूछेंगे आप रहते कहाँ हैं? आप रहा रहते घर में? अच्छी बात है। आपकी क्लास कौन सी है? मेरी शायद बोर्ड का एग्जाम नहीं है आपका? पता नहीं होता। हाँ होता है। पता नहीं स्कूल कौन जाता है? बंद करते हैं हम स्कूल। अभी हाल ही में जब लॉकडाउन था आपको कैसा लगा? ऑनलाइन क्लास लगाते थे हम। अच्छा तो अब जब स्कूल खुल गए तो अब खरा ही है जैसे था। आप आम चोरते हो? वो तो हमारा पेशा है पेशा। जीरा खाते हो? वो तो हमारा नशा है, सस्ता नशा। सच्ची? हाँ। तो आपको कैसा महसूस हो रहा अभी? अच्छा महसूस होता है। आप टीवी पे आने वाले हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा? हम तो रोज ही टीवी पे आते हैं। सच्ची? मैंने सुना है आपका एक भाई है जो विशंबर से लाया है, शायद का नाम अज्जू है। तो मैं क्या करूँ? नाच क्यों नाचू, मेरी मर्जी है। मैं तो नाच तो क्यों तू ही बोल रही है? ठीक है आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जब अभी हाल ही में जब लॉकडाउन हुआ था आपको कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, ऑनलाइन क्लास लगती। और अब जब स्कूल खुल गया तो अब कैसा लग रहा है? जिंदगी बर्बाद हो